हेलो सब्स, खुश तो हो ना सब लोग। तो आज हम बनाएंगे टेस्ला का नया बार। ठीक है, ये टेस्ला का नया बार इसलिए बनाना है क्योंकि इसमें एक इफेक्ट है जो कि बहुत औसम लगता है मुझे। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे इसको होवर किया तो ये आया। ठीक है, अब ये देखो, ये खींच के लाता है। ठीक है, अब कहीं भी ले जाओगे किसी भी इस पे। ये देखो, मैं इस पे चला गया था, इस पे फिर इस पे, फिर यहाँ पे, यहाँ पे, फिर यहाँ पे, कहीं भी। ठीक है, और ये यहीं से गायब होता है और यहीं से रिज्यूम भी ऑन भी होता है, और यहीं पर, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट के सिमिलर ये टेस्ला से। मैं पहले सोच रहा था पूरी वेबसाइट बनाऊंगा जो लैंडिंग पेज इनका पूरा, लेकिन जब मैं नेबर बनाने बैठा तो ये होवर इफेक्ट बनाने में मेरी हालत ख़राब हो गई। ठीक है, तो मतलब बहुत टाइम लगा मुझे बनाने में, 2-3 घंटे लग गए थोड़ा समझने में। तो और मैंने यूट्यूब पर भी देखा था, गूगल पर भी देखा था, कहीं पर मुझे सिमिलर नहीं मिला। ठीक है, कि कहीं से कुछ मिल जाए तो मैं वहाँ समझ लूँ, लेकिन ऐसा मुझे कुछ मिला ही नहीं। ठीक है, तो मैंने खुद से बनाया बहुत टाइम स्पेंड करके, थोड़ा HTML के बेसिक में गया, वहाँ पे थोड़ा सर्च किया उसके बाद। ठीक है, तो देखते हैं कैसे बनाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, तो मज़ा आएगा। ठीक है, तो चलता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड में और आपको HTML समझाता हूँ। तो आ चुका हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। ठीक है, और ये मैंने CSS की फाइल लिंक करके रखी हुई है और CSS को मैंने डिलीट कर दिया है। ठीक है, और आप देख सकते हैं मैंने क्या लिया है। सबसे पहले लिया हेडर, उसके अंदर मैंने लिया नैव। ठीक है, नेप टैग, क्योंकि नेप बार बनाएंगे। उसके अंदर मैंने एक डिव लिया जो क्लास दिया लोगो, जो हमारे टेस्ला का लोगो होगा। आप कुछ भी लोगो लगा सकते हैं, वरना आप टेस्ला की वेबसाइट से लोगो डाउनलोड कर सकते हैं। SVG उठाया मैंने, मैंने अपने पुराने वीडियोज में दिखाया कि हम SVG कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। SVG मैंने डाउनलोड करके दिखाया है कॉपी करके। उसके बाद मैंने UL लिया जिसको मैंने क्लास दिया नेब लिस्ट, और उसके अंदर आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा है। उसमें भी जितने लिंक है हमारे सेम सेम है। ये Model S, Model 3, Model X जो कि हमारा लिंक्स के नाम है, ऊपर जो नेब बार के नाम है। ठीक है, और यहाँ पे एक अलग से डिब दे रखा है और इसको दे रखा है होवर। ठीक है, होवर करने पे वो ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो हम इसमें ये बनाने के लिए एक आपको डिब चाहिए होगा। ठीक है, मतलब खाली डिब, तो आप ऐसे लगा देंगे। ठीक है, तो इतना सिंपल सा है हमारा। और हेडर मैंने इसलिए लिया ताकि मैं वो इमेज लगा सकूँ, ताकि थोड़ा सिमिलर सा दिखे। ठीक है, और जब हम पूरी वेबसाइट बनाएंगे लैंडिंग पेज, तब हम अलग से देखेंगे कि पूरी वेबसाइट कैसे बनाएंगे। पर इसमें आपको एक अच्छी चीज़ सीखने को मिलेगी, नई चीज़ शायद आपने पहले कभी देखी नहीं होगी, या फिर देखी होगी समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, वो भी देखेंगे। तो मैं चलता हूँ अपने CSS में और समझते हैं। तो CSS डिलीट करने के बाद नॉर्मल HTML आपको कुछ ऐसा आएगा। ये टेस्ला का लोगो और ये हमारा एंकर टेक्स्ट है। ठीक है, और बिल्कुल सेम है। अब मैं चलता हूँ अपने CSS में। ठीक है, ये CSS की फाइल है और फिर मैं बेसिक कर लेता हूँ क्योंकि मैं हर वीडियो में करता हूँ। Margin 0, Padding 0, Box Sizing, Border Box सेव किया मैंने। तो देख सकते हैं मार्जिन पैडिंग खत्म हो चुके हैं। एक चीज़ और, जो एंकर टैग है उसमें से मैं टेक्स्ट डेकोरेशन रन कर देता हूँ, तो यहाँ पे अंडरलाइन हट चुके हैं। अब बारी है फॉन्ट फैमिली की। तो मैं फॉन्ट फैमिली एक ही है तो यहीं पे देता हूँ। फॉन्ट फैमिली सिस्टम फॉन्ट ही लगा देता हूँ मैं। ठीक है, सेफ, आप कोई सा भी फॉन्ट लगा सकते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर है उससे। और कुछ नहीं इसमें। अब हम चलते हैं अपने हेडर पे। ठीक है, अच्छी है DBR हेडर, हम बाद में लगाएंगे। हेडर में हम इमेज लगाएंगे, तो हम बाद में लगाएंगे ये इमेज। ठीक है, पहले हम बना लेते हैं, उसके बाद आपको, ताकि क्लियर दिखे लोगो। ठीक है, लोगो को मैं विड्थ दे दूंगा 20 पिक्सल। सेव करता हूँ मैं, तो आप देख सकते हैं लोगो का विड्थ चेंज हो चुका है। मैं कर्सर कर दूंगा पॉइंटर, POINTER पॉइंटर। ठीक है, और क्या है, और कुछ नहीं है इसमें। अब मैं लूंगा नैव, क्या है जिसके अंदर हमारा ये सब कुछ है। ये हमारा नैव है। ठीक है, इसके अंदर हमारा सब कुछ है, जिसमें लोगो भी था हमारा और UL भी था, और UL के अंदर ही हमारे सब सब कुछ थे। ठीक है, अब मैं नैव को दूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स। तो आप देख सकते हैं इसके दो चाइल्ड है, एक ये एक UL। ठीक है, इसके दो डायरेक्ट चाइल्ड है और नैव इनका पेरेंट है। ठीक है, तो मैं नैव में दूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स, ये साइड बाय साइड आ जाएंगे। ठीक है, और अलाइन आइटम कर दूंगा मैं सेंटर, ताकि ये ऐसे ही रहे। अब आपको लग रहा होगा कि मैं जस्टिफाई स्पेस बिटवीन करूंगा, जस्टिफाई स्पेस बिटवीन, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ताकि यहाँ पे गैप आ जाए, लेकिन हम आज वैसा नहीं करेंगे। ठीक है, आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी, तो नए बार बनाने के लिए मैं वैसा ही करता हूँ, क्योंकि हम इस पर ये वाला इफेक्ट लाना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेजरमेंट का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, कहाँ पे कितना विड्थ है, कितनी हाइट है, ठीक है, वो सब देखना पड़ेगा। और यहाँ पे भी ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक ये खींच के ला रहा है। ठीक है, जिसका मतलब ये कि यहाँ पे मार्जिन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मार्जिन नहीं है। ओरिजिनल वेबसाइट दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे होवर कर रहा हूँ तो भी ये जो ये होवर इफेक्ट है वो जा नहीं रहा। ठीक है, देखिए यहाँ पे माउस है फिर भी, क्योंकि यहाँ पे पैडिंग है। ठीक है, ये पैडिंग की वजह से इसको खींच रहा है, इन सब के बीच पे पैडिंग है। ठीक है, जरा सा भी गैप नहीं है, पूरा का पूरा पैडिंग है। ठीक है, तो वो है, मार्जिन है नहीं इनके बीच में, और यहाँ पे मार्जिन है बस। ठीक है, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें यहाँ इधर कुछ चाहिए ही नहीं, तो यहाँ पे सब पैडिंग है, पैडिंग है। तो इसलिए हम करेंगे क्या, पैडिंग लगाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले पैडिंग दे देता हूँ नैव बार में। पैडिंग टॉप डाउन से 0 और लेफ्ट राइट से 50 पिक्सल, सेव करता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गैप आ चुका है, उतना ही गैप इधर से भी होगा।
और हाइट कर देता हूँ मैं 50 पिक्सल, सेव करता हूँ मैं। देखिए यहाँ पे भी गैप आ चुका है, क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़ा गैप चाहिए था, मैंने नेवबार को पूरा का पूरा गैप दे दिया, मतलब हाइट दे दिया इसको। मैं चलता हूँ डॉट नेव लिस्ट, ठीक है। नेव लिस्ट क्या है हमारा, और इसके अंदर जो हमारा ए है, नेव लिस्ट हमारा यूएल है, ठीक है, क्योंकि यूएल को हमने क्लास दिया था नेव लिस्ट। नेव लिस्ट के अंदर जो हमारे ए है, सारे एंकर टैग है, ठीक है। अब हम इसको थोड़ी स्टाइलिंग करेंगे, डिस्प्ले करूँगा इनलाइन ब्लॉक, ठीक है, जो कि हमें इसमें करना ही पड़ता है, क्योंकि इससे अच्छा होता है कि मार्जिन पैडिंग और सब कुछ मिलता है इससे, ठीक है, हाइट भी मिल जाती है। तो जब भी एंकर टैग से बनाएं तो पहले डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर देना, और उसके बाद सब कुछ आप कर सकते हैं। वरना बहुत लोग कहते हैं कि ए से एंकर टैग करने के बाद हमें पैडिंग नहीं मिलती, कभी 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 मार्जिन नहीं मिलता है, फिर हाइट नहीं मिलती है, तो पहले डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर दीजिए। हम देंगे पैडिंग, ठीक है, टॉप डाउन से 5 पिक्सल और लेफ्ट राइट से 15 पिक्सल, ठीक है, सेव किया मैंने। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इनके बीच में गैप आ चुका है, सबके बीच में सिमिलर गैप है। और फ्रंट साइज कर दूंगा मैं 15 पिक्सल, टेक्स्ट अलाइन कर दूंगा मैं सेंटर, बॉर्डर रेडियस कर दूंगा मैं 10 पिक्सल, और कलर कलर कर दूंगा मैं #222, ठीक है, और फॉन्ट वेट कर दूंगा मैं बोल्ड, ठीक है। तो ये हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है सिमिलर, इनका थोड़ा सा कम बोल्ड है, मेरा कुछ ज़्यादा ही बोल्ड है, देखते हैं होता है कि नहीं। 500 करता हूँ, ठीक है, आप सही है। देखिए ऑलमोस्ट हमारा सिमिलर सा बन चुका है, और कलर इनका थोड़ा और वैसा है, तो मैं चेंज करता हूँ यहाँ पे 333 करता हूँ, ठीक है, चेक करता हूँ, हाँ आप सही है। तो हमारा एंकर टैग का सब कुछ हो चुका है, बस थोड़ा सा और बचा है, कुछ करते हैं देखते हैं। अब एक चीज़ और थी कि इसको भी हमें यहाँ पे धकेलना है, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे गैप चाहिए होगा हमें, तो हम गैप लाते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ चलता हूँ और यहाँ पे इसको ऊपर लिख देता हूँ डॉट नेव लिस्ट, ये पूरा का पूरा यूएल है हमारा, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा का पूरा यूएल है, जिसका क्लास है नेव लिस्ट। तो मार्जिन कर दूंगा लेफ्ट 200 पिक्सल, ठीक है, तो ये यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। आप देखते हैं यहाँ पे अगर मैं कर्सर लाऊं और उस वाले वेबसाइट पे जाऊं, तो ऑलमोस्ट ही सिमिलर जगह पे है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये भी टी भी आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट सिमिलर जगह पे। वैसे कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पिक्सल परफेक्ट बनाएं, आपकी मर्ज़ी, आप कितना भी गैप, आपकी मर्ज़ी, आप कितना भी गैप दे सकते हैं, बस सिमिलर लगना चाहिए, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि पिक्सल परफेक्ट ही हो। और यहाँ पर कर्सर पॉइंटर कर देता हूँ मैं जी इंडेक्स दे देता हूँ यहाँ पे, ताकि वो कभी नीचे ना चला जाए, ठीक है, क्योंकि जब हम इमेज लगाएंगे तो जी इंडेक्स काम आएगा, ठीक है, और जब हम इस पर होवर लाएंगे तब भी जी इंडेक्स काम आएगा। अब बारी है इन तीनों को भी इधर धक्का मारने की, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी गैप है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर चलता हूँ मैं डॉट नेव लिस्ट, ये जो ए है नेव लिस्ट के अंदर जो एक ए होगा, इसका जो nth चाइल्ड होगा, ठीक है, nth चाइल्ड यहाँ पे 6 नंबर पे, यहाँ पे जब मैं इसको करूँगा पैडिंग राइट 160 पिक्सल, ठीक है, सेव करता हूँ। जैसे मैंने पैडिंग 160 पिक्सल दिया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ तो गया, लेकिन आप देख सकते हैं ये चीज़ यहाँ पे, ये वाला जो था ये नीचे यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। हम थोड़ा सा और कम कर देते हैं इसे, 150 कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अभी भी नहीं आया, 140 कर देते हैं, सेव करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए आ चुका है, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये नेवबार है ही ऐसा, इस इफेक्ट के लिए यहाँ पे थोड़ा ड्रामा करना पड़ता है, ठीक है, तभी हमने वो डिस्प्ले फ्लैग जस्टिफाई कॉन्टेक्ट स्पेस बिटवीन नहीं किया, वरना हम तो स्पेस ऐसे ही ले आते, ठीक है, ऑलमोस्ट बिना इसके भी बन जाता, लेकिन बस हमें इफेक्ट लाना था, इसलिए हमें थोड़ा प्रॉब्लम आती है। तो अब मैं जाऊँगा यहाँ पे डॉट नेव लिस्ट, देखते हैं क्या होता है, ठीक है, लिखता मैं डॉट नेव लिस्ट, जो कि हमारा यू एल है, इसमें दूंगा मैं डिस्प्ले फ्लैक्स, ठीक है, और पोजीशन कर दूंगा मैं रिलेटिव, ठीक है, सेव करता हूँ। तो मेरे हिसाब से अब थोड़ा सा स्पेस में कम हो चुका है, तो अगर मैं यहाँ पे 160 करूँ तो ये आ जाएगा शायद, ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये हमारा सही हो चुका है। अब क्योंकि हमने यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैक्स नहीं दिया था, अगर मैं इसको हटाऊँ, इस चीज़ को, डिस्प्ले फ्लैक्स को हटाऊँ, सेव करूँ और एंकर टैग पे जाऊँ, ये एंकर टैग है हमारे, ठीक है, यहाँ पे जाऊँ और यहाँ पे बॉर्डर दूँ 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है, तो आप देख सकते हैं इनके बीच में गैप है, ठीक है, ये इसके और इसके बीच में गैप है, ठीक है, इस गैप, ये अगर गैप होगा ना, तो इसी गैप की वजह से मैं परेशान हो गया था, कि यहाँ पे जो गैप है मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे गैप है, और मैं इसको होवर दिया जा रहा था, कभी कभी काम कर रहा था, कभी कभी काम नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसके बाद मैंने यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैक्स दिया, क्योंकि ये वैसे भी सिमिलर था, क्योंकि आप देख सकते हैं अगर मैं यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैक्स ना भी दूँ तो भी ये एक ही लाइन में है, ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैक्स दूंगा, सेव करूंगा, तो आप देख सकते हैं ये एक लाइन में भी है और यहाँ पे गैप भी खत्म हो चुका है, ठीक है।
तो उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हुई मुझे समझ में, क्योंकि मैंने बॉर्डर बॉर्डर दिया नहीं था, मैं डायरेक्ट बना रहा था, तो बहुत टाइम लग चुका है इसलिए समझने में। तो ठीक है, तो आपको इतना ध्यान देना है कि यहाँ पे अगर गैप ना हो, क्योंकि अगर इनके बीच में गैप होगा ना, तो जब आप वो इफेक्ट लाएंगे ये वाला, ठीक है, खींचने वाला इफेक्ट, तो ऐसा होगा कि कभी यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, नॉर्मली आता रहेगा, लेकिन बीच बीच में ऐसा होता कि नहीं आता, क्योंकि जब आपका माउस इनके गैप में जाएगा तो वो इफेक्ट कट हो जाएगा और फिर वो अच्छा सा दिखेगा नहीं, फिर वो अचानक से इधर उधर आता रहेगा, ठीक है, तो वो इफेक्ट नहीं आएगा उससे। तो आपको ये ध्यान देना है कि ये चिपके हुए रहें, ठीक है, इनके बीच में स्पेस ना हो, तभी हमें मार्जिन भी नहीं दे सकते थे, ठीक है। और आगे जब ये इफेक्ट बन जाएगा तब मैं आपको यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैक्स हटा के दिखाऊंगा और यहाँ पे विड्थ भी कम करूंगा, देखना वो काम नहीं करेगा, कभी कभी काम करेगा वरना मोस्टली काम नहीं करेगा। तो मैं यहाँ से अब इसको हटा देता हूँ, ये हमारा बॉर्डर जो था, ठीक है, सेव करता हूँ। तो यहाँ पे अब सब कुछ सही है, अब बस हमें क्या करना है, जो हमने ये होवर लिया था क्लास, ठीक है, ये होवर डिव इनके अंदर, इसको हम स्टाइल करेंगे। अब मेन चीज़ हमारा यही है, डॉट मतलब मेन चीज़ ये भी है और वो भी ऊपर वाला भी था, ये वाला डिस्प्ले फ्लैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं दूंगा इसको पोजिशन एब्सोल्यूट, सेव करूंगा, बैकग्राउंड कलर दूंगा मैं RGB ए 0.0.0.1, ठीक है, सेव करता हूँ। देखिए अभी भी नहीं आया क्योंकि हमें विड्थ देना पड़ेगा, विड्थ देता हूँ मैं 85 पिक्सल का, और यहाँ पे और हाइट देता हूँ मैं 30 पिक्सल का। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे देखिए एकदम ऑलमोस्ट हमारा आ चुका है। अब ये जो होवर है ये इसके अकॉर्डिंग विड्थ नहीं लगा, इसको आप विड्थ खुद से देंगे, ठीक है, और आप पता कैसे चलेगा विड्थ इतना ही है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 100% करता हूँ, 100 पिक्सल करता हूँ सपोज, ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे है, तो यही यहाँ पे कैलकुलेशन है, ठीक है। तो आपको विड्थ खुद से हिसाब लगाना पड़ेगा, यहाँ पे 85 पिक्सल दिया हमने, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम टेक्स्ट है तो यहाँ पे भी सेम रहेगा, यहाँ पे सेम, यहाँ पे सेम, यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा विद, आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, 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 ठीक है। तो ऑलमोस्ट बहुत जगह सेम चेंज करना पड़ेगा विड्थ, तो हमने ये विड्थ लिया अभी। और मैं बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ 30, मतलब सॉरी 10 पिक्सल, ठीक है, सेव करता हूँ। देखिए बॉर्डर रेडियस आ चुका है, और मैं अगर हाइट ना दूँ तो भी काम नहीं करेगा, ठीक है, देख सकते हैं आप। तो हाइट हटाने के बाद अगर मैं सेव किया तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि हाइट देना पड़ेगा, ठीक है, और हाइट आप कितना देंगे वो आपको हिसाब लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 100 पिक्सल हाइट दे दूँ तो देख सकते हैं आप कितना बड़ा आ रहा है, ठीक है। तो आपको इस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हाइट देना पड़ेगा, ठीक है, तो टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आपको ऑलमोस्ट 30 पिक्सल आप करके देखना कितना आपको सही लगता है, 30, 40, 50, ठीक है। अगर आपका टेक्स्ट थोड़ा बड़ा है, मतलब थोड़ा बोल्ड है, और तो आप हाइट बढ़ा सकते हैं, विड्थ बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कर दिया हमने, यहाँ पे हम देंगे तो ट्रांजिशन ऑल 0.7 सेकेंड या 6 सेकेंड, ठीक है, क्योंकि हमें थोड़ा स्लो रखना है, ठीक है, स्मूथली, ठीक है, इसलिए हम इतना देते हैं, वरना आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं ट्रांजिशन में। और यहाँ पे मैं दूंगा एक इफेक्ट क्यूबिक बेजियर, एक वो है इनका ईज आउट वाला एक फंक्शन होता है, उसी के अंदर क्यूबिक बेजियर भी आता है, ठीक है, ईजिंग फंक्शन है ये, तो इसके अंदर मैंने लिया था 0.77 वाला, कहाँ गया, 0.77017751, ठीक है, ये वाला, ठीक है। इसमें प्री डिफाइंड बहुत सारे होते हैं, तो उसी में से मैंने एक सिलेक्ट कर लिया, और ये इसलिए क्योंकि आप देखिए जब मैं यहाँ पे जाऊँगा तो जब ये अचानक से आता है, ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा वेट करता है उसके बाद आता है, ठीक है, तो इसलिए ये वाला इफेक्ट, तो इसलिए जो ये वाला क्यूबिक बेजियर है ऑलमोस्ट सिमिलर है, पूरा पूरा का पूरा सिमिलर भी नहीं है, मैं इसको इतना बड़ा करता हूँ और इसको यहाँ पे ले आता हूँ नीचे, ठीक है, तो अब सही रहेगा। ये काम हो चुका हमारा, अब बारी इसको ओपेसिटी हम कर देंगे 0, ठीक है, दिखना नहीं चाहिए, और विड्थ को भी मैं यहाँ से हटा दूंगा, ठीक है, सेव किया तो आप देख सकते हैं नहीं है, ठीक है, विड्थ भी हम नहीं रखेंगे और ओपेसिटी भी 0 कर देंगे। अब हमारी मेन चीज़ की बारी, तो यहाँ पे लिखूंगा डॉट नेव लिस्ट के अंदर ए है, उसका जो nth चाइल्ड है यहाँ पे हम देंगे 1, ठीक है। अब एक चीज़ और बताता हूँ मैं, आप यहाँ पे क्लासेस भी लगा सकते हैं, ठीक है, एंकर टैग में यहाँ पे क्लास लगाइए, क्लास 1, 2, जो भी आपका बना वो क्लास लगाइए, और आपको ये nth चाइल्ड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, आपको ए लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बस वो क्लास दे देना यहाँ पे, ठीक है, जैसे 1 दिया, फिर 2, 3, 4, आप वैसे सिमिलर क्लास दे देना, नेव लिस्ट डॉट नेव लिस्ट स्पेस डॉट फिर वो वाला क्लास, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, मैंने क्लास का नाम लिया नहीं है तो मैं ऐसे ही कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो आप ये लिखेंगे, उसके बाद जब मैं करूँगा पहले वाले पर होवर, ठीक है, आप देख सकते हैं ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, अगर आप nth चाइल्ड करेंगे तो एंकर टैग nth चाइल्ड कॉलन मतलब ब्रैकेट उसके अंदर 1, क्योंकि पहला वाला सेलेक्ट करेंगे हम, फिर उसको जब हम करेंगे होवर तो ये एक आपके देखना टैब के ऊपर एक शिफ्ट दबा के एक ये वाला वो आएगा डिज़ाइन बना हुआ, ठीक है,
अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप उसमें देखिए 1080 में, ठीक है, मतलब अच्छी रेजोल्यूशन में देखिए, आपको दिख जाएगा। आपके टैब के ऊपर जो बटन है रुपीज साइन बना होगा, उसी पे एक और सिंबल है, मुझे नहीं पता सिंबल को क्या कहते हैं, ठीक है। तो यही है जो भी है, अब इसी का ड्रामा है सर, ठीक है। और यहाँ पे लगाऊंगा डॉट होगा, तो इसका मतलब ये है कि एंकर टैग में जो nth चाइल्ड है, जो पहला वाला nth चाइल्ड है, क्योंकि हमने पहले वाले को सिलेक्ट किया है, इस पर जब मैं करूँगा होवर, तो ये हमारा होवर नाम का क्लास है, ठीक है, जिसको हमने ये स्टाइल किया है। एक क्लास का नाम कुछ भी हो सकता है आपकी मर्जी, यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि होवर ही होगा, ठीक है, आप कुछ भी रखिए। तो मैंने होवर रखा है, तो ये होवर, इस होवर पे कंफ्यूज मत होना, ये हमारा जो काम करने वाला होवर है, ये बस क्लास का नाम है, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता था। तो जब मैं इस पे करूँगा होवर, तो ये होवर नाम का क्लास है अलग से, वो इसकी सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे हमें शो होंगी, ठीक है, होवर करने पे। और इसका मतलब ये है, इस सिंबल का मतलब कि ये जो चीज़ है, ये इस सिंबल का मतलब ये होता है कि ये अपने आसपास, ये अपने सब भाइयों को देखता है, ठीक है, इसके जितने ही भाई हैं यहाँ पे, ये सब भाई हैं, मतलब सिबलिंग्स कहते हैं इंग्लिश में, तो भाई को कह रहा हूँ एकदम देसी में, ठीक है, ये सब भाई हैं इसके। अगर इसके बाहर कुछ और होता, जैसे कि यहाँ पे मैं कुछ और भी लिखता, डिव होता है, फिर कुछ भी होता, उस पर काम नहीं करता, ठीक है, ये एक ही, क्योंकि आप देख सकते हैं यूएल है, और यूएल के अंदर ये सब लोग हैं, ठीक है, ये चाहे बीच में हो, चाहे ऊपर हो, चाहे नीचे हो, कहीं भी हो, लेकिन एक डिव के अंदर होना चाहिए, एक कंटेनर के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ अपने सिबलिंग्स को देखता है, ये इसका पेरेंट है, ठीक है, ये इस डिप का पेरेंट ये है यूएल, और ये सब इसके सिबलिंग्स हैं, मतलब सब भाई भाई हैं आपस में, ठीक है। तो ये अपने सब भाइयों को देखता है, ठीक है, इसको ढूंढता है, मतलब इस सिंबल का मतलब ये है, और किसी चीज़ को काम नहीं करेगा, ठीक है। तो वैसे ही है, तो कुछ चेंज तो नहीं किया मैंने, नहीं किया, तो मतलब ये देखेगा अपने इन सबको, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या दूंगा, यहाँ पर पहले मैं विड्थ दूंगा 85 पिक्सल, ठीक है, उसके बाद मैं ओपेसिटी कर दूंगा 1, ठीक है, हमने दिया था पोजीशन एब्सोल्यूट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे left 0, ठीक है, सेव करता हूँ। तो जैसे मैंने सेव किया, तो यहाँ पे माउस लेके जाता हूँ, देखिए नहीं आ रहा, ठीक है, कभी आ रहा है, कभी कभी दिख जा रहा है, कभी कभी नहीं दिख रहा, ठीक है, मैं दोबारा कर सेव करके दिखाऊँ आपको, ये देखिए, ठीक है, नहीं आ रहा, क्योंकि हमने यहाँ पे जी इंडेक्स देना पड़ेगा, ठीक है, कहीं भी दे दीजिए आप जी इंडेक्स, यहाँ पे जी इंडेक्स -1, ठीक है, क्योंकि नीचे रहना चाहिए ये इसके पीछे, ठीक है, आप देखिए आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने इसको जी इंडेक्स दिया था, इस वाले को 5 कहीं पे, हाँ इसको 5, तो ये चीज़ इसके नीचे आ गई थी, ठीक है, तभी हमें दिख नहीं रहा था, अब ये दिख रहा है बड़े आराम से। तो अब हमें सिमिलर करना पड़ेगा सबके साथ, ठीक है, जितने भी हमारे एंकर टैग हैं, 2 3, ठीक है, 3 लिया मैंने। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ इसको करूँगा 2, ठीक है, और यहाँ पे चलता हूँ, करता हूँ 3, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है कि विड्थ यहाँ पे सेम रहेगी, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम टेक्स्ट है, ओपेसिटी भी सेम रहेगी। अब लेफ्ट आपको चेंज करना है, ठीक है, पहले पे था 0, क्योंकि अब एब्सोल्यूट था, तो 0 पे तो आप हमेशा यहीं पे रहेगा एकदम शुरुआत में। फिर जब दूसरे पे जाएंगे, तो आप देख सकते हैं विड्थ कैलकुलेट करना है यहाँ पे, इसकी विड्थ 85 पिक्सल थी, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 85 पिक्सल है, उसका मतलब ये होगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी 85 पिक्सल होगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसको 85 पिक्सल मूव करेंगे राइट साइड में, मतलब लेफ्ट साइड में, तो जैसे 85 पिक्सल में मूव करूँगा, ठीक है, सेव करूँगा, तो आप देख सकते हैं ये देखिए यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, ये देखिए। तो अब ऐसे ही आप करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे जाऊँगा तीसरे पे, तो 85 + 85 क्या होगा, वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, 85 85 मतलब 170, क्योंकि 80 60 5 5 10, ठीक है, 170 पिक्सल। पर कोई ज़रूरी नहीं है कि इतना काम करेगा ही, ठीक है, आगे पता चल जाएगा आपको। ये देखिए यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सिमिलर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अजीब लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे विड्थ थोड़ी छोटी हो रही है, यहाँ पे थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो आप यहाँ पे 171 कर सकते हैं आपके अनुसार, आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इसकी बारी है, फिर मैंने इसको फिर से कॉपी के लिए 3 बार और, ताकि 6 हो जाए, 6 आइकन, तो ये 4, ये 5 और ये 6, ठीक है। अब आपको बताता हूँ, हमारी 3 हो गए थे, अब 6 चौथे की बारी, ठीक है, ये चौथा है, सेम है। अब आपको 171 में 85 और प्लस करना पड़ेगा, तो आप कैलकुलेट कीजिए, उतना ही लिखना, ठीक है, जैसे कि 170 + 80 250 और 5 और 6 256, ठीक है, 256 पिक्सल सेव किया मैंने, ये चौथी की बारी थी, ये देखिए, लेकिन फिर भी यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा दिखने में, ठीक है, तो हम इसको और धक्का मारेंगे थोड़ा, तो इसको 1758 कर देता हूँ मैं, अभी भी थोड़ा अजीब लग रहा है, ठीक है, 160 कर देता हूँ मैं, सेव करता हूँ,
तो अब ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो आपको ये भी एडजस्ट करना पड़ेगा लेफ्ट वाला, और आपको विड्थ भी एडजस्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि आप देख सकते हैं जब मैं पाँचवें पे जाऊँगा, पाँचवें का पता लग जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ से 85 और करूँ, 85 और करने पे कितना हो जाएगा, 340, 345 के आसपास, 385 पिक्सल, मतलब 345 पिक्सल के आसपास। तो ये देखिए पाँचवा था, देखिए अब इसको विड्थ भी छोटा पड़ रहा है और ये लेफ्ट वाला ये भी छोटा पड़ रहा है, ठीक है। तो हम इसको विड्थ थोड़ी बढ़ा देंगे, यहाँ पे हम कर देंगे 95, ठीक है, ताकि ये पूरा का पूरा टेक्स्ट इसके अंदर आ जाए, ठीक है। और इसको थोड़ा सा और धक्का मार देंगे, यहाँ पे हम कर देंगे 50, ठीक है, सेव करता हूँ मैं। तो ये परफेक्टली आ चुका है, थोड़ा ज़्यादा उधर जा चुका है, तो हम 48 करता हूँ, हम 48 करता हूँ। कौन सी लैंग्वेज थी, डॉक्टर गुलाटी की, ठीक है। अब हमारे छठे की बारी, तो ये थोड़ा और बड़ा लग रहा है आपको, दिख रहा है यहाँ पे, तो मैंने पहले ही कैलकुलेट करके रख रखा है, तो मैं यहीं से देख लेता हूँ। तो आपको दोनों चीज़ एडजस्ट करना पड़ेगा, ये कहने का मतलब ये है, ठीक है। जब आप जाएंगे छठे पे, तो यहाँ पे इसकी विड्थ कर देंगे हम 110 पिक्सल, 110 पिक्सल, और जो लेफ्ट साइड में मूव होगा वो होगा यहाँ पे 448 पिक्सल, ठीक है। अब क्योंकि इतना कैसे होगा, आप देखते हैं इसको विड्थ मिला 95, और 91 मतलब 385, 348 में 95 प्लस कर देंगे आप, तो ऑलमोस्ट जितना मिलेगा तो आपको यहाँ इतना मिलेगा, ठीक है। और इसको इसको भी हमने विड्थ बढ़ा दिया, 10-20 पिक्सल और बढ़ जाएगा, ठीक है, सेव करूँगा मैं। तो ये देखिए एकदम सिमिलर आ चुका है, वरना आप ऐसे ही कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, थोड़ा इधर कर कर करते करते आ जाएगा वो। अब बारी है इसकी, ठीक है, ये थोड़ा बहुत दूर है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर चलता हूँ, पेस्ट किया था मैंने, तीन और करने हैं, ठीक है, मैंने कर दिया। और मैं अपना ये सब हटा देता हूँ, क्योंकि बार बार क्या ही कैलकुलेट करूँ मैं, आपको लंबी वीडियो जाएगी, और मैं उसके बाद आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ मतलब। तो मैंने कर लिया, ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये 7, ये 8, ये 9, ठीक है। तो जब मैं इस पर ओवर करूँगा तो देखिए यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है। तो मेन काम हमारा यही था कि बस आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा विड्थ, मतलब टेक्स्ट के एकदम सेंटर में लाना पड़ेगा इसको विड्थ, और ये लेफ्ट वाला पोजिशन, तो आप एकदम आसानी से बना लेंगे, ठीक है। तो हमारा ये सब कुछ पूरा का पूरा बन चुका है, ये देखिए एकदम ही, ठीक है, मस्त मक्खन की तरह। तुम्हारी बारी से किया वो बनाने की, वो मतलब हेडर वाला सेक्शन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ बीजी के बैकग्राउंड, और इसको देता हूँ मैं क्या URL, और ./images नाम के फोल्डर में टेस्ला का जो था वेबसाइट, मैं सेव करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आ चुका है, लेकिन पूरा नहीं दिख रहा, तो मैं यहाँ पे दूंगा मिन हाइट 100 VH, ठीक है, सेव करता हूँ। तो आप देख सकते हैं इमेज आ चुका है, लेकिन ये बहुत ही बड़ा इमेज है, तो हम थोड़ा शॉर्ट हैंड इस्तेमाल कर लेंगे। नो रिपीट सेंटर सेंड, क्या लिख रहा हूँ, Center/TVRcover, ठीक है। तो ये देखिए हो चुका है, ये ठीक है, ये ओरिजिनल वाला देख सकते हैं आप मिला के। इन्होंने बैकग्राउंड कलर बहुत हल्का कर रखा है, मतलब होवर वाला बैकग्राउंड कलर, मैंने थोड़ा सा डार्क किया, तो कि थोड़ा सा हमें देखना भी चाहिए ना, उतना भी नहीं एकदम कतई फर्जी बना रखा उन्होंने कलर को। तो ये तुम्हारा बन चुका है, आई होप आपको पसंद आया होगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ऐसी वीडियोज और देखने के लिए। थैंक यू।